Hello everyone, welcome you all to JB classes. Today we are here to discuss important questions of GK or GS. यहाँ पे आपको SSC CGL के जो नए पैटर्न के आधारित आपको पता है 75 मार्क्स हैं, 25 क्वेश्चन है, तो आपको ये क्लास बहुत ही काम आएगी. चाहे आप देख लेना, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी होंगे, हिस्ट्री के भी होंगे, पॉलिटी होंगी, स्टैटिक GK, करंट के भी क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, तो ओवरऑल आपकी पूरी रिवीजन होगी यहाँ पर. तो फटाफट से एक बार सारे बच्चे आ जाइए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन, ये क्लास आपकी डेली 4:40 पे होती है, तो सभी बच्चे इस क्लास को जरूर लगाएं. क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कहते विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है. यानी कहने का मतलब है कि एक तरफ तो आपको देखने को मिल जाएंगे खिलाड़ी, यानी एक तरफ आपको खिलाड़ी का नाम देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ खिलाड़ी कौन सी खेल खेलता है वो देखने को मिलेगा. तो फटाफट से देखो और सोचो, अभी अभी अपने एक दो नाम पढ़ के भी आए हैं इनमें से, तो सोचो कौन सा खिलाड़ी कौन सी खेल खेलता है. अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता करना है कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है, यानी एक इसमें से गलत है, एक इसमें से गलत है. देखो अब बताओ, पंकज, अमन, मनीष, चलिए राम राम जी रक्षक, चलिए सोचो और बताओ अच्छे से, सभी बच्चे आंसर बताएंगे. टाइम इसलिए दे रही हूँ कि आपकी रिवीजन होगी, आपको आंसर आता है कि नहीं आपको सोचने का मौका मिलेगा. सुनीता, चलिए चलिए वही क्लास को सारे एक बार शेयर किया करो, क्लास को शेयर जरूर किया करो, सो दैट बाकी बच्चे भी आ जाएं भी. भाई इसमें से ध्यान से देखना, निहाल की बात करो, निहाल सरी, डिस्कस थ्रो, ये ऑप्शन को गौर से देखो. अगर आपने कभी इनका नाम सुना होगा तो भाई ये कौन सी गेम खेलते हैं, ये चेस खेलते हैं, शतरंज, तो इसका मतलब है ये आंसर यहाँ पे अपना बिल्कुल सही आया. अब ध्यान से सुनना, अभी अभी आपको याद होगा 44th नंबर का चेस ओलंपियाड हुआ था, है ना, हुआ था. पहली तो बात है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इन्होंने वहां पे बड़ा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी. ये कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु में. जो 45 नंबर का होगा चेस ओलंपियाड, वो कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे होगा, वो होगा हंगरी, बुडापेस्ट में, हंगरी देश की जो कैपिटल है वहां पे होगा. ठीक है, अब देखो सीए भवानी देवी फेंसिंग से रिलेटेड है, शिवपाल जेवलिंग, और अर्गु निर्गिस चेस से रिलेटेड है, तो बाकी सारे ऑप्शन अपने यहाँ पे बिल्कुल सही थे. अच्छा, निहाल सरीन रहने वाले कहाँ के हैं, ये हैं केरला के, केरल के. चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का परिणाम था. यानी कहने का मतलब है, हाँ कहने का मतलब है तलवारबाजी, जिसको आप बोल देते हो ना सिंपल भाषा में. इनमें से कौन 71, मतलब इनमें से वो कौन सा ऐसा डिसीजन, ऐसा नतीजा निकल के आया था जो 71 नंबर का संशोधन हुआ था संविधान में, संविधान अमेंडमेंट एक्ट 1992. सी नंबर पंचायती, अरे पंचायती राज के बारे में किसको नहीं पता भाई, ये तो 73 नंबर का था ना, 73 नंबर का अमेंडमेंट था जो हुआ था 1992 के हिसाब से, 73rd 1992. अब बताओ अर्बन लोकल बॉडी का भी मैं बता देती हूँ, अर्बन लोकल बॉडी 74 नंबर का था, ये भी 1992 का था. और आपको पता होगा जिसमें अपना एक 61 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वोट, वोटिंग के लिए, यानी कौन सा पर्सन जो है अब वोट कर सकेगा, यानी जिसकी उम्र पहले 21 साल थी वो वोट करता था, अभी 18 साल वालों को भी क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था, इसके तहत संशोधन हुआ था. यूनियन टेरिटरी दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का. सोचो भाई, भाई ये तो था 69 नंबर का, और ये कौन से साल में हुआ था 69 नंबर का, 1991 में. अब आपको पता ही चल गया होगा आंसर क्या आएगा, तो आंसर है अपना कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन भाषाओं को 8वें नंबर की सूची के अंदर शामिल किया गया था, और यही अपना बच्चों क्या है आंसर है, अच्छे से याद रख लेना. ठीक है, आंसर है 22 भाषा है अपनी,
तो 22 में से 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये थे, बाकी सारी भी अपने ने कर दी। आगे देखो, दिल्ली सल्तनत में राजवंशों का सही क्रम इनमें से कौन सा है बताइए। अरे सारे क्लास को शेयर किया, अगर वो सोते रह जाते हो इसलिए पेपर में भी सोते रह जाते हो, सो दैट्स वाई। चलिए, ममलुक, कलजी, तुगलक, सैयद, ऑप्शन देखो सारे के सारे और ए बी सी डी आंसर बताओ क्या आएगा, यानी आपको ये मुगलों का सारा वंश है वो बताना है, डी ऑप्शन और डी के अलावा। भाई डी तो आंसर नहीं है, आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आएगा, ममलुक, खलजी, तुगलक, सैयद। अगर देखा जाए, ध्यान से सुनना, अगर अपने कहें कि जो ममलुक आया था वंश, ये कब आया था, ये आया था 1206 से लेके 1296 तक का, यानी 1200 उप्स उप्स आई एम सो सॉरी इट्स 90। दूसरे नंबर पे आया खलजी, जिसको अपने खिलजी खिलजी बोलते रहते हैं, खलजी, ये कब आया था बच्चों, 1290 से लेकर ये आया था 1320। फिर अपना कौन सा आया, तुगलक, तुगलक की अगर अपने बात करें तो ये आया 1320 से लेके 1414 तक का। तुगलक के बाद अगर बात करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश अपना आया 1414 से लेके और लगभग 3434 के बाद थोड़ा टाइम और भी रहा था, 1451 तक रहा था। और ये फिर अपने लास्ट पे आए थे लोधी वंश, लोधी वंश ये रहा था 1455 से लेके लगभग 1526 तक का। तो ये है पैटर्न इनका, ममलुक, खलजी, तुगलक और सैयद, सही आंसर आपका ये आएगा। आगे चलो, इनमें से कौन सा, इसमें से कौन भारत में एक लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है बताइए। लिग्नाइट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है भारत का, तालचर है या विध्यांचल है, विध्यांचल दो बार लिखा गया कोई बात नहीं, नवेली है थर्मल पावर, देखो क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा भाई। हरिया, पंकज का बी आंसर, बाकी भाई बी आंसर नहीं है और बताइए, बी ऑप्शन। तो भाई इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा नवेली थर्मल पावर स्टेशन। अब क्वेश्चन आपको ये आएगा, ये कहाँ का है, तो भाई ये है तमिलनाडु का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर विंध्या की बात करें, यहाँ पे लिखा है था ना विंध्या, विंध्या ये कहाँ की है, तो ये है आपको पता ना विंध्या रेंज भी है यहाँ पे मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। और अगर कल्चर की बात करें, ये है ओडिशा की, डन, इतना डन करो यहाँ तक का। और एक पेपर में आती है सिपत नाम से, जिसको सिपत बोलते हैं, ये है छत्तीसगढ़ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ की। एक और होगा शायद आपका रिहान, रिहान डैम भी है, नदी भी अपने पढ़ते हैं, ये है यूपी का। ये सारे के सारे हैं थर्मल पावर प्लांट लिग्नाइट बेस, इनमें से कौन ठंडी स्थानीय हवा है, कोल्ड, आपको पता, एक होती है हॉट विंड, एक होती है कोल्ड विंड। विंड एक होगी हॉट विंड, गर्म हवाएं, और एक होगी कोल्ड यानी ठंडी हवाएं, दो प्रकार की। आंसर बताओ इसमें से, फोहेन, कमसिम, सिरोको या मिस्ट्रॉल, क्या आएगा, कौन सी हवा है ऐसी। देखो जो सिरोको है ना, जो अपना मेडिटेरियन सी है ना, मेडिटेरियन सी, उधर वाली साइड पे ये हवाएं चलती हैं, ठीक है, और ये अफ्रीका और यूरोप बड़ा एरिया कवर करती हैं, अफ्रीका और यूरोप वाला। और ये कौन से साधन है, गर्म हवाएं के ठंडी हवाएं, तो बच्चे ये सारी की सारी कौन सी होंगी, क्योंकि अपने को बतानी है कोल्ड वाली ठंडी, तो ये सारी हॉट वाली है गर्म वाली। आंसर क्या आएगा अपना यहाँ पे बच्चों, तो आंसर ध्यान से देखना, आंसर क्या आएगा, मिस्ट्रॉल, आंसर आएगा मिस्ट्रॉल। अच्छा मिस्ट्रॉल ये भी यूरोप वाले साइड पे ये बच्चों, और यहाँ पर भी खास बात क्या है, जो अपना न्यूजीलैंड वाला इलाका, स्विट्जरलैंड वाला इलाका, वहां पर ये हवाएं चलती हैं, कौन सी हवाएं चलती हैं बच्चों, कोल्ड, ठंडी हवाएं चलती हैं। कामसिन भी बच्चों हॉट है, पॉइंट भी बच्चों कौन सी हवाएं हैं, गर्म हवाएं। अब ये है कि अलग अलग एरिया के हिसाब से इनकी हवाएं चलती हैं। भारत में किस स्थान पर 60% से अधिक पेट्रोलियम उत्पादन होता है,
देखो भारत में पेट्रोलियम तो चलो बथेरा है, फिर भी अपने को पेट्रोल दूसरी जगहों से, दूसरे देशों में भारत के अंदर मंगवाना पड़ता है, अरब कंट्री से अपने मंगवाते हैं। तो भारत में पेट्रोल की प्रोडक्शन 60% से भी ज्यादा कहाँ पे होती है बताइए। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गए हैं, शाबाश। चलिए चलिए, अरे भाई आंसर आएगा मुंबई। मुंबई में भारत के हिसाब से 60% जो पेट्रोल है वो यहाँ से अपने को मिलता है मुंबई। यहाँ पे आपने ना एक नाम भी सुना होगा, सागर सम्राट। 1 रुपए के नोट के ऊपर इनकी फोटो आती होती थी पहले, जो वहां पे ये पूरा का पूरा पेट्रोलियम का एरिया बना हुआ है, ठीक है, जहां से पेट्रोलियम मिलता था। दूसरे नंबर पे अगर आपको देखा जाए तो आंसर आएगा गुजरात। दूसरे पे गुजरात आएगा, और गुजरात का कौन सा इलाका आएगा? अंकलेश्वर। गुजरात का अंकलेश्वर आपको याद, अभी अभी अपने रिसेंट कलोल पढ़ा था, पेपर में आया था आपके, RRB क्लर्क में कलोल। ये भी क्या है बच्चों? यहाँ भी पेट्रोलियम के साधन है। मेहसाना हो गया, और आसाम का डिगबोई, आसाम का डिगबोई यहाँ पर भी क्या है बच्चों? पेट्रोल है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लोक कला रूप का उसी की संगत अवस्था से सही मिलान नहीं है? यानी इधर दिया हुआ है राज्य स्टेट, और इधर दिया हुआ वहां का फोक डांस, लोक नृत्य पढ़े थे ना अभी ने। बस बताओ, कर्नाटक का यक्षगान है, त्रिपुरा का होजागिरी है, मणिपुर का चेराव, लक्षद्वीप का लावा। बताओ लावा क्या आएगा आंसर, फटाफट से बता दो सारे कमेंट में। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन से वाले का बच्चे? ये वाला जिंदल बच्चे, ये वाला बच्चे, इसमें थर्मल पावर प्लांट का कह रहे हो ना? नहीं, इसका आंसर ये नहीं था कि कौन से स्टेट में है। सिर्फ लिग्नाइट कोल, यानी अलग प्रकार का तरीका है लिग्नाइट ऑयल, ठीक है, उसकी वजह से पूछा। कोल कोल के थर्मल पावर लग से पढ़ते हैं ना अपने। अरे देखो कर्नाटक का यक्षगान बिल्कुल सही है, त्रिपुरा का होजागिरी क्या है अपने को बिल्कुल पता, सही है। लक्षद्वीप, लक्ष्य पे पहुंचने के लिए लावा पार करना पड़ता, बिल्कुल सही है। अरे चिराव थोड़ी ना था यहाँ, ये क्वेश्चन ये गलत है, ये नहीं है सही। तो भाई आंसर अपना यहाँ पे आएगा मणिपुर, सी ऑप्शन अपना आंसर है, सी ऑप्शन। अरे चिराव मेरे को बताना कहाँ का पड़ा था, फटाफट से बताना। मणिपुर का था, मेघालय का था, मिजोरम का था। अरे कितना फेमस है ये मिजोरम का, और यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया। मणिपुर का कौन सा है फेमस, किसी को याद हो कोई मणिपुर का? अरे आजकल ही मैं क्लासों में पढ़ा रही हूँ, एक थंग टा नाम का, कितना फेमस है यहाँ का डांस फॉर्म, जिसको खेलो इंडिया गेम्स के टाइम पे स्टेडियम पे परफॉर्म भी किया गया था, ये वहां का मार्शल आर्ट है। चलो आगे चलते हैं, और आपको पता ना कर्नाटक में बहुत सारे आते हैं, सुगी कुनीता, पत्ता कुनीता, डोलू कुनीता, ये सुने ना आपने, ये सारे कारोबार ये सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ के। व्हाट इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन प्रेजेंट बिटवीन टू इकोसिस्टम, दो पारितंत्रों के बीच उपस्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, जैसे अपने कहें कि ये है एक इलाका, यहाँ पे है पानी, और यहाँ पे जो इलाका है ना वहां पे मिट्टी है, पेड़ पौधे लगे हैं, और जो नदी के पास वाला एरिया होगा वो बिल्कुल दलदली सा इलाका होगा। तो इसका मतलब ये एरिया कौन सा है? ट्रांजिशन, बदलाव। इसके इधर बदलाव है कि घास है, इसके इधर बदलाव है यहाँ पे पानी है, यानी एक लेयर से जब अपने दूसरे में जाते हैं तो बदलाव जो महसूस करते हैं। तो बताओ इसमें से उसको अपने क्या बोलते हैं? इकोटोन, हॉटस्पॉट, बर्थ प्रभाव, बायोम, बताइए क्या आंसर आएगा। चलो चलो सोचो सोचो, अगर नहीं पता इकोटोन क्या आंसर आएगा बच्चों? इकोटोन। आगे चलो, गुड इवनिंग भी, गुड इवनिंग। आगे चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एक्स सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, संरक्षण करना। चलो करते हैं इसके बारे में भी बात, अब क्या है ये। देखो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। दो तरीके हैं जंगली चीजों को, जानवरों को बचाने के।
इन सीटू का मतलब है कि आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो, नेशनल पार्क बना दो, टाइगर रिजर्व बना दो, बायोस्फीयर रिजर्व बना दो, एलिफेंट रिजर्व बना दो, जहां पे वो खुलेआम रहते हैं, नेचुरली प्राकृतिक तौर पे रहते हैं। एक्स सीटू का मतलब जिसमें आप कहते हो सीड बैंक बना दी, जहां पे आपको सारे पौधों के बीज मिल जाएंगे, जूलॉजिकल पार्के बना दी जिसमें चिड़ियाघर वगैरह आ जाते हैं। लोग इंसान ही तो बना रहे हैं ना ये सारी चीजें, बोटेनिकल गार्डन जहाँ पे पौधों की पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है, ये सारी चीजें किससे संबंधित है? एक्स सीटू का मतलब है जिसमें इंसान आगे आगे काम कर रहा है। पर एलिफेंट रिजर्व किसकी एग्जाम्पल है बच्चों? अरे ध्यान से देखो ये एग्जाम्पल किसकी है, देखो देखो, उन्होंने कहा है कि कौन सा इसमें से एक्स सीटू मेथड नहीं है। तो ये तो सारे एक्स सीटू है, इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर होगा अपना। एक्स सीटू क्या है बच्चों? एक्स सीटू तो इन सीटू का एग्जाम्पल है, यानी दोनों प्रकार से जंगली जीव जंतुओं को बचा रहे हैं। यहाँ पे वो प्राकृतिक तौर पे रह रहे हैं, यहाँ पे अपने को रख रहे हैं उनको। साइंटिफिक नेम चीता का बताइए, चीता का साइंटिफिक नेम पैंथेरा उन्सिया एस्टिमोकिस जुप्टेनस, सारे कितने हसीन नाम। पैंथेरा पर्दोस, पैंथेरा ओन्का। चलो चलो बताओ क्या आंसर आएगा। थर्ड ऑप्शन आंसर बताया बच्चों ने। और देखो पहली तो बात है, भारत के अंदर ना जो चीते थे 1952 में समाप्त हो गए थे। अब अपने पास चीते आ गए 8, कहाँ से आए? नमीबिया से। कहाँ पे आए? कुन्नो नेशनल पार्क में। कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलो इतनी बात खत्म होगी। 8 आए, 8 में से 5 क्या है? फीमेल है और 3 है मेल, मादा और पुरुष, पुरुष नहीं सॉरी मेल, ठीक है। चलो अब आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों एस्टिनोकिस जुबेट्रस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जुबेट्रस, ये नाम अच्छे से याद कर लेना, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है चीता का। देखो एक दो नाम मैं और लिखती हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है पैंथेरा उनका, मैं सिर्फ इतना वर्ड लिख देती हूँ आपको याद रह जाएगा, पीछे का वर्ड ओंसिया। अगर इनकी बात करें तो बच्चे ये कौन सी हैं? इनका नाम इधर का भाषा में बनता है स्नो लेपर्ड। अरे हिम तेंदुए पड़े थे ना, बर्फीले तेंदुए, ये कहाँ पे है? लद्दाख में। अरे और कहाँ है? क्या हिमाचल में है? सोचो और बताओ। अगर आपको याद हो ना कि स्नो लेपर्ड पहाड़ी जो उसमें बर्फ में रहते हैं तेंदुए, यहाँ के स्टेट एनिमल है ये, दोनों जगह के, लद्दाख के भी और हिमाचल प्रदेश के भी। उसके बाद सुनो एक वर्ड आया है ना पीछे, पारदस, ये वाला पैंथेरा पारदस, ये कौन से हैं? ये कौन से हैं बच्चे? ये जो अपने लेपर्ड हैं तेंदुए जिनको अपने बोलते हैं तेंदुए, ये इंसान को भी खा जाते हैं। पैंथेरा ओन्का की बात करें, ये ओन्का कौन से हैं? अरे जो आप कहते हैं ना बड़ी बड़ी सी बिल्लियां, बिल्ली अपने घर पे छोटी सी आती है, ये होती है वाइल्ड कैट, बड़ी बड़ी बिल्लियां भारत में नहीं पाई जाती है, अमेरिका वाली साइड पे ज्यादा पाई जाती हैं। तो ये सारे अलग अलग नाम है, इनको अच्छे से याद कर लेना। हाँ इसको वैसे क्या बोल देते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्लियों को जैगुआर बोल देते हैं, जैगुआर, ठीक है, जैगुआर बिग कैट। चलो इतना आपको डन हो गया होगा अच्छे से। हाँ अफ्रीका में मेनली पाए जाते हैं चीता, अफ्रीका में। और अगर आपको पूछा जाए IUCN में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में, इनको रेड लिस्ट में कहाँ पे लिखा हुआ है चीता को? वल्नरेबल में, यानी इनका ध्यान रखना भी जरूरी है। आगे देखो, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता क्या है जिसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना है। यानी कहते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मेन मकसद है कि हम लोग को सेफ हैंडलिंग करनी है, ट्रांसपोर्ट या यूज करना लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, राधे राधे भी, राधे राधे भी, हाँ सबसे तेज दौड़ता है। हाँ पर ये है ना जो अपने, जो अपना स्नो लेपर्ड हो गया और ये जैगोर, ये इतना ज्यादा क्या करते, ज्यादा चिल्लाते नहीं है, जो अपने अभी अपने आए ना चीता, ये ज्यादा दहाड़ते नहीं है ना, ये शांत वहीं से रहते हैं। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के जेनेटिकल पार्ट्स को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको सेफ तरीके से किया जाए ये काम। ये कौन से कानून के अंदर बताया गया, यानी कौन सा प्रोटोकॉल है, रूल है जिसके अंदर इसकी बात हुई है? नगोया, कार्टाजेना, क्योटो या मॉन्ट्रियल?
ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, और आपको पता है सीजीएल है तो पेपर में तो फिर आएंगे ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिससे आपको लगेगा हो अभी पेपर में कैसा क्वेश्चन आया, आंसर आएगा इसका बच्चों कार्टेजेना प्रोटोकॉल। अच्छे से देखना ये यहाँ कहाँ का प्रोटोकॉल है, ये बच्चों कोलंबिया का, फिर से बोलती हूँ ये कहाँ का रूल है कोलंबिया का, अगर आपको पूछा जाए ना गोवा, अगर आपको पूछा जाए कि ना गोवा कहाँ का प्रोटोकॉल है तो ये है आपका बच्चों जापान का, ये कहाँ का है जापान का। अगर आपको पूछा जाए क्योटो, तो बच्चों ये है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए, आपको पता है ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, गर्म हवा वातावरण खराब हो रहा है उसके लिए काम करता है। आगे सुनना ध्यान से, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल किसके लिए है, ओजोन लेयर जो अपनी O3 जिसको बोलते हैं वो डिप्लीट हो रही है, उसमें शेद हो रही है, खराब हो रही है, अल्ट्रावायलेट सन की रेज आ रही है, तो उसी के लिए काम करने के लिए कानून बना है। अपना आंसर है कार्टागोन। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया आर्कटिक स्टेशन लोकेटेड एट स्पिटबर्गन आइलैंड, यानी कहने का मतलब है नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है बच्चों स्पिट्सबर्जन, ये आइलैंड है। इस आइलैंड के ऊपर, मान लो ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड के ऊपर अपना भारत का एक क्या बना हुआ है आर्कटिक, आर्कटिक जो आर्कटिक ओशन है ना आर्कटिक, उसके ऊपर भारत का एक स्टेशन बना हुआ है। फिर से बोलती हूँ, भारत का आर्कटिक के ऊपर एक स्टेशन बना हुआ है, उसका नाम बताना है। जैसे अंटार्कटिका के ऊपर भी है, आर्कटिक ओशन पे भी है, तो देखो दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री, मैत्री, भारती, क्या आंसर आएगा, सोचो सोचो। नहीं, हिमाद्री आंसर आएगा इसका, बिल्कुल सही हिमाद्री। और अगर भारती देखना, भारती सबसे आखिर पे नया बना हुआ है, 2012 में बनाया गया था, अब तकरीबन काम सबसे ज्यादा यूज में यही आ रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का किया जा रहा है। मैत्री भी अपना ही है, दक्षिण गंगोत्री तो बंद ही कर दिया, ये तो बंद ही हो चुका है बच्चों, ये बंद हो चुका है, तो पेपर में आने के इसके चांस कम रहेंगे। ठीक है, बाकी तीनों कहाँ पे हैं ध्यान से सुनना, जो ये बाकी तीनों थे ना ये सारे के सारे किस पे बने हुए हैं, अंटार्कटिका के ऊपर, और जो अभी अपने ने पढ़ा वो किस पे बना हुआ है आर्कटिक ओशन के, वो अंटार्कटिका के ऊपर है, ये आर्कटिक ओशन के ऊपर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बताइए ध्यान से देखना और बताना, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मनीष का आंसर आ गया पहला। चलो फिर ये भी बता दो, ये तो आपने बता दिया कि एक आंसर आ गया अपना ये, वैसे अपने को याद है ना कि तीनों की तीनों राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको अटेंड करने वाले 2 पर्सन थे, ये 2 पर्सन कौन कौन से थे, एक तो अपने ने बता दिया BR अंबेडकर, चलो ठीक है, अरे दूसरे का नाम भी बता दो ना क्या था। हाँ मैडम नेट नहीं चल रहा ज्यादा, चलो भाई क्या करें भाई, आप क्या चाहते हो मैं आपके घर के पास नेट लगवा दूं आके। इनका नाम है तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी तीनों मीटिंग को अटेंड किया था, तीनों मीटिंग को, तीनों कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। चलो इतनी बात यहाँ तक इनके बारे में डन करते हैं, और जब ये सारी की सारी कॉन्फ्रेंसिस चल रही थी उस समय अगर आपको वॉइस राय पूछा जाए कौन था, तो लॉर्ड इरविन, कौन था वॉइस राय उस समय, आपको पता नहीं गवर्नर जनरल होता है एक वॉइस राय होता है, वॉइस राय वो लोग होते हैं जिनको अपॉइंट करते हैं, जिनको फैमिली यानी जो अपनी क्वीन एलिजाबेथ वाली बैकग्राउंड है, रॉयल पीपल है, वो अपॉइंट करते, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले किसी को अपॉइंट करते थे उस समय तो उसके साथ वर्ड लग जाता था गवर्नर जनरल। ठीक है, चलो हेडक्वार्टर ऑफ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है, ये भारत में सभी अंतरिक्ष यान संचालन का तांत्रिक केंद्र, मतलब मेन ये है कि ये क्या करता है कि जितने भी स्पेसक्राफ्ट पहुंचाए जाते हैं उनका सबका नर्वस सिस्टम है ना, मेन सेंटर है, आपको ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का, अभी तो एक इसका और सेंटर बन चुका है तो आपको हेडक्वार्टर बताना है, बताइए, चलिए चलिए फटाफट से बताइए। हाँ मनीष,
एच अग्रवाल। चलिए बताइए बताइए क्या आएगा आंसर भी, सोचो और बताओ, ऐसे नहीं करना, बताना नहीं है, सब सोचो और बताओ, नहीं आएगा आंसर तो मैं बता ही दूंगी। सी ऑप्शन श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, ना आंसर आएगा हासन कर्नाटक, ये है इसका हेडक्वार्टर। और आपको पता अभी एक इसका नया सेंटर भी बन रहा है, किसी को पता हो तो फटाफट से कमेंट में बता दो, मैं तो बता ही दूंगी, मैं तो बता ही दूंगी, आप बताओ फटाफट से। इसका एक नया भी बन गया है सेंटर, ये तो इसका हेडक्वार्टर आ गया अपना, बिल्कुल सही आंसर। अभी आप ध्यान से सुनना मैं आपको क्या लाइन बोल रही हूँ, भारत के अंदर आपने सुना होगा इन स्पेस, पेपर में क्वेश्चन भी आता है इन स्पेस, ये भी क्या है बच्चों, इसी प्रकार से मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के तरीके से ही एक मेन सेंटर है। और बात करें, एक आपने ये भी सुना होगा सैक, एक आपने शायद और नाम सुना होगा प्रोफेसर यू आर राव, प्रोफेसर यू आर राव सेटेलाइट सेंटर, ये नाम भी सुना होगा। एक आपने और नाम सुना होगा विक्रम साराभाई, क्या आ गया यहाँ पे, नहीं आया तो यहाँ पे लिख लो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। एक शायद और था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, ये सारे के सारे अति महत्वपूर्ण है। देखो जिस जैसे इस बार ये क्वेश्चन आया, इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकता था, अब देखो सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। इन स्पेस कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर बच्चों, इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। सैक का हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ है, ये भी अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में। प्रोफेसर यू आर राव वाले की अगर बात करें, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। और विक्रम साराभाई की अगर बात करें, ये है तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी। और अपना रह गया नेशनल रिमोट सेंसिंग, तो ये है हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद। अब आपने इसका आंसर नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ, यह है भोपाल के अंदर, दूसरा सेंटर इसका भोपाल मध्य प्रदेश में बन गया, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मेन वही रहेगा फिर भी। चलिए आगे चलते हैं, श्री हरिकोटा से भी तो कितने सारे टेस्ट फाइट किए जाते हैं ना बच्चे। आगे देखो, कहते हैं मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड के अंदर, मोनाजाइट रेत के अंदर कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखो यूरेनियम की बात करें, अगर आपके दिमाग में आया हो तो, भारत में बहुत कम है, भारत में ये कम है, ठीक है, भारत में दो चार जगह पे पाया जाता है, जैसे कि ये झारखंड के अंदर है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, झारखंड के अंदर है, जाडूगढ़ा नाम का कुछ ऐसा सा नाम है, घटिया, जाडूगढ़ा, हाँ जाडूगढ़ा, जाडूगढ़ा नाम से माइन का नाम है। एक और नाम आएगा यहाँ पे आंध्रा प्रदेश का, आंध्रा प्रदेश का वो आएगा आपका तुमाला पला, ये माइन का नाम है जहां पे यूरेनियम भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, यहाँ पे बहुत कम पाया जाता है, पर जब जितना भी पाया जाता है ये दो इलाकों में पाया जाता है, आंध्रा और झारखंड। यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, भंडार अपने पास किस चीज के हैं, थोरियम के, भंडार किसके हैं अपने पास, थोरियम के। चलिए इतनी बात यहां तक का याद करना, थोरियम, ठीक है। चलो ये कौन सी साइड पे पाया जाता है बच्चों, जो अपनी ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है, यानी पानी के किनारे दोनों साइडों पे, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। अब आपने आर्टिकल तो पढ़े होंगे, देखो सारे आर्टिकल तो अपने पढ़ते नहीं है, है ना, तो बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा। यूनियन टेरिटरी के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया, फंडामेंटल राइट का कौन सा आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल, इनमें से कोई ऐसा होगा जो सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कोई ना कोई गलत है, एक क्या आंसर होगा बताओ। हरी अब ए ऑप्शन, अरे ध्यान से सोच के बताना, गड़बड़ मत करना, अरे जिसको देखने से ही समझ में आ गया होगा कि एक से लेके चार में किसकी बात हुई है, यूनियन और इट्स टेरिटरी की, तो भाई पहला ही आंसर अपना आ जाएगा, पहला ही आंसर है जो कि बिल्कुल गलत लिखा, 5 से 11, 5 से 11 बिल्कुल नहीं आएगा, याद कर लेना। अरे 5 से 11 तो किसका आर्टिकल है, नागरिकता, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का, बाकी सारे के सारे बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, ध्यान से सुनना, आंध्रा के अंदर सबसे बड़े फल पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा
फल के लिए जाना जाता है, उत्पादन यहाँ पे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के अंदर पोटैटो आलू पाए जाते हैं, केरल के अंदर कॉफी, कर्नाटक के अंदर रबर। तो सोचो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसका मतलब काफी सारे गलत होंगे इसमें, तो बताइए। देखो इतनी बात याद कर लो अच्छे से कि रबड़ के लिए तो जाना जाता है केरला, केरला कॉफी के लिए भी जाना जाता है, पर इतना नहीं जितना कि कर्नाटक किसके लिए जाना जाता है, कॉफी के लिए। कर्नाटका जाना जाता है कॉफी के लिए, ठीक है, कर्नाटका कॉफी के लिए सबसे ज्यादा के हिसाब से बात कर रहे हैं। वैसे मत ले जाना कि मैडम वहां पे भी पाया जाता है, आपने वो नहीं बताया, ठीक है। देखो अरेबिका और रोबस्टा तरीके की दो प्रकार की कॉफी है भाई में अपने भारत के अंदर, ठीक है, अरेबिका और रोबस्टा। रोबस्टा का मतलब है पावर ले आती है एकदम से, आपको पता ना स्ट्रॉन्ग कॉफी जिसको अपने बोलते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। तो चलो आगे देखो बाकी कौन सा रह गया गलत है। अरे भैया आंध्र प्रदेश में फ्रूट तो बिल्कुल सही है, हाँ तो फिर गलत कौन सा हुआ, मध्य प्रदेश भी गलत है। अरे मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ पे यूपी आना चाहिए था, यूपी के अंदर आलू हो जाए, दूध हो जाए, आलू दूध या कहें गेहूं, ये सारी चीजों के लिए जाना जाता है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे गलत। तो बस अपना सही आंसर आ गया पहला ऑप्शन, बिल्कुल राइट ये अपना आंसर रहा। सूरत उदयगिरी, सूरत और उदयगिरी दो क्या है स्वदेशी भारत के अंदर बनाए गए, क्या है बच्चों, जहाज हैं, वारशिप हैं, ठीक है। तो बताओ ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं सूरत और उदयगिरी। तो सूरत वाले का प्रोजेक्ट इधर वाला नाम होगा, उदयगिरी के प्रोजेक्ट का नाम इधर वाला होगा, तो बताइए कौन सा आंसर होगा। सोचो तो और बताओ। नहीं पता तो सुनो 15B और 17A, अब ध्यान से सुनना, जो सूरत वाले हैं ना, जो सूरत वाले, ये देखो सूरत और उदयगिरी दो इंडिजिनियस वारशिप है, ध्यान से सुनना, एक तो इसमें सूरत का आ गया, दूसरा इसमें विशाखापट्टनम का आ गया, कितने जहाज आएंगे, सारों की बात करें, जहाज के नाम ना सारे एरिया के हिसाब से हैं, ठीक है, मोरमुगाव जो गोवा का इलाका है, और फोर्थ नंबर का कौन सा है, इम्फाल मणिपुर का, ये चार के चार जहाजों के नाम है। तो प्रोजेक्ट जो अपना है ना 15B, उसके अंदर कितने जहाजों की बात है, चार जहाजों की। 17A के अंदर सात जहाज आते हैं, कितने, सात। 15B के अंदर राज्यों के हिसाब से या सिटी के हिसाब से नाम है, और सात के इधर वाले नाम जो है ना वो पहाड़ी इलाकों के, यानी अगर अपने कहें माउंटेन पीक्स हैं या पहाड़ी, उनके हिसाब से, जैसे देखो उदयगिरी हो गया है ना, नीलगिरी हो गया, हिमागिरी हो गया। तो ये यहां तक हो गए आपके आज के क्वेश्चंस, उम्मीद है आपने अच्छे से देखे होंगे, मिलेंगे कल की क्लास में, सबको बाय बाय, टेक केयर, और इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, अच्छे से रिवाइज करना, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, चलिए।